ईयरफोन मुझे काफ़ी अच्छा कंडीशन में मुझे मिला है, कहीं भी छोटा मोटा स्क्रैच भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनबॉक्स गैजेट चैनल पर स्वागत है। कल ये फ़ोन डिलीवर हुआ है, ये भी डी कैटेगरी का ही फ़ोन है, लेनोवो का फ़ोन है। चलिए देखते हैं इसका कंडीशन कैसा है। अभी डी कैटेगरी का प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, इससे पहले भी मैंने अनबॉक्स किया था सैमसंग का A50s बी कैटेगरी में, लेकिन उसका कंडीशन एकदम सही नहीं था, उसका फिंगरप्रिंट इशू था, उसका मैंने रिटर्न कर दिया। चलिए देखते हैं इसका कंडीशन कैसा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा फ़ोन, ये रहा बिल। बिल को रखते हैं साइड पे, पहले फ़ोन देख लेते हैं फ़ोन कैसा आया है। आगे से पीछे से देखने से तो चकचक एकदम अच्छा कंडीशन दिख रहा है, लेकिन ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं ये फ़ोन, इस फ़ोन में बैटरी है कि नहीं। चलिए ये फ़ोन ऑन हो गया है, फ़ोन ऑन हो रहा है, तब तक देख लेते हैं बिल को। ये फ़ोन मुझे बहुत कम कीमत में मिला है, दिखा देते हैं आप सभी को। देख सकते हैं कि ये लेनोवो K5 नोट है, 3 GB रैम, 32 GB रोम, 1370 रुपये मुझे पड़ा है ये फ़ोन डी कैटेगरी में। चलिए फ़ोन ऑन हो गया, एक बार टच मच सब देख लेते हैं, टच, क्योंकि सब फोन में टच में ज़्यादा इशू रहता है। टच ठीक है, टच में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा भी एकदम सही है, फ्रंट कैमरा भी सही होगा शायद। ये रहा मेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है, ठीक है एकदम कैमरा। फ़ोन वाइब्रेट भी हो रहा है, ये साउंड चेक, एक बार साउंड चेक कर लेते हैं फ़ोन का। ये रहा फोन, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड है एकदम फोन का। फिंगरप्रिंट भी काम करता होगा शायद, वो भी देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट ठीक है, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट डालते ही फोन खोल जा रहा है एकदम। मुझे अच्छा कंडीशन में ये फ़ोन मिला है, देख सकते हैं एलुमिनियम फ्रेम है। ये बैक पैनल रिमूव नहीं होता, सिम डाल के भी चेक कर लेंगे। ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा कंडीशन में मुझे मिला है, कहीं भी छोटा मोटा स्क्रैच भी नहीं है फ़ोन पे, एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम है। बस बैक साइड में छोटा मोटा दाग है, छोटा मोटा, और एकदम डिस्प्ले में तो एकदम कोई भी स्क्रैच कुछ भी नहीं है, कोई भी डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छा कंडीशन में मुझे मिला है डी कैटेगरी का ये वाला फ़ोन। इसमें अपना जियो की सिम भी मैंने डाल दिया है, नेटवर्क का नेटवर्क भी आ गया और वोल्टेज का साइन भी आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा नेट चला के कुछ काम कैसा कर रहा है। फ्लिपकार्ट में तो अभी तो अकाउंट भी नहीं बना होगा, देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। साइन करते ही फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा, बिग बिलियन वाला डे। नेटवर्क वगैरह हर चीज़ पूरा एकदम फुल्ली वर्किंग है, डिस्प्ले भी एकदम ओरिजिनल दी गई है। अभी तक तो मुझे कुछ भी इशू नहीं दिखा फ़ोन पे, और थोड़ी देर बाद यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। और आप सब कैसे हैं मेरे भाइयों, थोड़ा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।